कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्ट। ठीक है, कोस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। लागत क्या होती है? कि आप कुछ भी चीज बनाओगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो क्या करना है? आपको ऑनर मान लेना है किसी भी कंपनी का। ठीक है, आप क्या मानोगे कि आप एक कंपनी चलाते हो तो उसको चलाने के लिए क्या क्या खर्चा आएगा, तो वो क्या होगा? आपकी कॉस्ट होगी। आपको लैंड लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर लेबर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मशीनरी भी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ क्या होता है? अगर हम इस सारे खर्चों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी ने कॉस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है वो हम आज अपने टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट? कुल खर्चा। कुछ भी चीज बनाओगे तो आपका जो भी खर्चा होता है उसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? वो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। क्या कहा गया है कि टोटल कॉस्ट के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड क्या होती है? जो हमेशा ही फिक्स रहेगी। अब ऐसा क्या होता है कि जो हमेशा ही फिक्स रहे? जैसे जब भी आप फैक्ट्री स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? आपने लैंड ले ली। ठीक है, आपने एक हेक्टेयर लैंड ले ली है, उसके ऊपर 10 मशीनें आपने लगा दी हैं, तो ये क्या रहेंगी? हमेशा ही फिक्स रहेंगी। इस पर आप बार बार लैंड चेंज नहीं करोगे और बार बार मशीनें नहीं लेके आओगे। ये क्या होंगी? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो गया? जो कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होती है उसका नाम क्या है इकोनॉमिक्स में? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को समझेंगे। यहां पे आ जाओ आप। आपने लेना है आउटपुट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट क्या है? जीरो। और आप देख रहे हो आपके कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप लैंड ले लोगे और मशीनों का खर्चा कर लोगे तब आपको कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ बनाओ या ना बनाओ। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है अभी। आपने कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बनाई है और अभी एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं बनाई। ठीक है, लेकिन आपकी लैंड का खर्चा तो आ गया, मशीनों का खर्चा भी आ गया, तो वो क्या होगी? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। यहां हम स्मॉल स्टेटमेंट ले रहे हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि जब आपकी आउटपुट क्या है? जीरो है, तब भी आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 10। जब आपकी आउटपुट 4, आप 4 कोल्ड ड्रिंक बनाओगे तब भी आपकी कॉस्ट क्या आएगी? 10। जब आप 8 कोल्ड ड्रिंक बनाओगे तब भी आपकी कॉस्ट क्या आएगी? 10। तो ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। इसका डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे आपने यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर लेना है आउटपुट और ओ वाई पर लेना है आपने अपनी कॉस्ट को। अगर आप देखो जीरो प्रोडक्ट बन रहा है तब भी आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 आ रही है। जब आपके 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तब भी आपकी कॉस्ट क्या आ रही है? 10 आ रही है। जब आप 6 प्रोडक्ट बना रहे हो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है। अब ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो चेंज होती है? फर्स्ट इज रॉ मटेरियल पर की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? वेरिएबल। आप एक कोल्ड ड्रिंक बनाओगे तो आपके 5 रुपीज खर्च होंगे, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाओगे तो आपके 10 रुपीज खर्च होंगे। तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक के साथ 5 रुपीज, सेकेंड कोल्ड ड्रिंक के साथ 10 रुपीज। तो दिस इज योर
वेरिएबल कॉस्ट जो हर टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। देखो जब आपका आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। इसका मतलब जब आपका कोई सामान नहीं बना है, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी नहीं बनी है, तो क्या कोई खर्चा आएगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं आएगा। जैसे जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आती जाएगी, ठीक है। आपने 8 कोल्ड ड्रिंक की बोतल बना ली और आपकी 62 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, क्लियर। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। आपने यहां पर क्या लेना है, कॉस्ट लेनी है, और यहां पर क्या लेना है, आउटपुट। जब आप कुछ भी नहीं बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट क्या थी, जीरो। जब आपने एक गुड्स बनाई तो आपकी कॉस्ट आनी शुरू हो गई। अगली चीज बना रहे हो, ज्यादा कॉस्ट आ रही है। अगली गुड्स बना रहे हो, आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इन पॉइंटों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। आगे चलते हैं। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमने देखा कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ा हुआ होता है। एज इट इज हम यहां पे से करेंगे, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, क्लियर। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 62 72। हर एक आइटम को यहां दोनों को ऐड करते जाओगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इसका हम यहां डायग्राम बनाते हैं। यहां पर एज इट इज आपने कॉस्ट लेनी है और यहां पर आउटपुट लेने हैं। जब आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो ये आपकी क्या आई, टोटल कॉस्ट। टू प्रोडक्ट बनाए, ये आपकी टोटल कॉस्ट। सिक्स प्रोडक्ट बनाए, ये आपकी टोटल कॉस्ट। जितने प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो, टोटल कॉस्ट उतनी ही ज्यादा आती जा रही है, ठीक है। ये क्या है आपका, टोटल कॉस्ट का डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये कॉस्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।